जोहार दीदी। जोहार, आओ बैठ। दीदी तोर घर कर सारा काम खत्म हो गया? हाँ, घर कर काम तो खत्म हो गए, केवल मैया के स्कूल भेजे को। ठीक तब जाए। दीदी गोबर बिछे नहीं जाबे? हाँ जाबे। आलू लगाए कर समय तो आ गया, इस बार आलू नहीं लगाबे का? हाँ लगाबे, लेकिन पिछले बार लगाए रही तो ठीक नहीं हो रहा। जाना थी दीदी, आसाराम दादा ने आलू लगाए रहे पिछले बार, बहुत अच्छा हो रहा। अच्छा, खेत में का चीज डाल रहे है? पता नहीं का डाल रहे। ओ ऊ दादा के कहात रहे जे समिति में जुड़ल हूँ। हाँ दीदी, वह दादा से जाए के कारण नहीं पूछ ले पिछला। ठीक तब ऊ दादा से पूछ ले भाई, कखनो एखन गोबर बिछे जाबे। चल तब। कहाँ कहता दीदी? हाँ दादा, ये दीदी कर आलू नहीं पिछले बार ठीक नहीं हो रहो, ये पूछत रही हो कि तोर बारे में तो बहुत अच्छा आलू रहो, तो अच्छा हो रहो के पूछत रही हो, बता दे हम नो कर अच्छा होते। हाँ दादा बताओ नहीं कैसे लगाबे हमरो आलू अच्छा होते। हाँ तो इनके जरूर बताबे, बीज उपचार कैसन करल जाइला, खेत कर तैयारी कैसन करल जाइला, और उकर में का डालल जाइला, कैसन रोपाई करल जाइला, हम करके सबके बता देब। कल हम बारी में रोपबे नहीं आलू, हम इनकर सहा आबा तब हम फिर वहाँ देखा देब सब करके। ठीक तब। अच्छा ठीक। हाँ ठीक ठीक तब, आज हम जाते हैं। जोहार। जोहार। हाँ दीदी, ये है कहो बिहीन आलू से। आलू है। हाँ तो इकर साइज रहो ला 2.5 सेंटीमीटर के लगभग। अगर तो, इकर से छोटका या तो इकर से बड़का लगा ले कैसे होता? इकर से छोटका रहता हूँ होले, उकर से गाछी छोटे छोटे निकलता हूँ, और बड़ बड़ रहता हूँ तो उकर में ज्यादा बिहीन लगता हूँ, ज्यादा पैसा खर्चा होता हूँ। वो तो होता हूँ। अच्छा दादा, ये आलू कर अंकुर कैसे होते? हाँ दीदी, तो पहले हम इन पूरा के का करबे कि बिछाए लेबे। हाँ। पतला से बिछाए लेबे ऐसा करके, और ऊपर ऊपर से आलू के हम इन उझेल देबे। अगर आलू के एक जगह ऐसा कुदाए के यार पूरा ढाई दे लेना चलता हो? नहीं दीदी, ऊपर में होले हो कि से आलू के पतला पतला बिछाबे, माने ज्यादा चिपा नहीं से तनी कुन ज्यादा जते पतला रहता हूँ ना। हाँ। उतने में ज्यादा अंकुर निकलता हूँ। बिछाई कर पतला पतला बिछाई कर बादे नहीं दीदी, पूरा सही के हमें ढाई दे भाई। अच्छा दादा, ये अंकुर कितना दिन में होते? इकर अंकुर पूरा से हमें बढ़िया से ढाई दे भाई, उकर बादे फिर ये 10 से 15 दिन में इकर में अंकुर हो जाते रोपे को तय गोगो। अच्छा। गेला? हाँ आए गेली। अच्छा दादा, आलू रोपे से पहले का करबे? सबसे पहले खेत कर हमें तैयारी करबे। खेत कर तैयारी कैसन करबे दादा? पहले हमें जोताई करबे 2 बार 3 बार, उकर बादे फिर जे कूड़ा करकट मने रहते घास मने रहते सबके बीच के हटाए देबे, और गोबर सड़ल गोबर के देबे और चूना के देबे। इकर से घास बन के भी निकला ले लिए और जुताई भी कर दिलिए 2 बार, अब इकर में चूना और गोबर के डालबे। अच्छा दादा, गोबर कते डालबे और चूना कते डालबे? 1 डिसमिल में गोबर डालबे 15 से 20 किलो, और चूना डालबे 2 से 3 किलो।
उकर बाद एक बार जुताई करके खाद मन के माटी में मिला देबे। ठीक तब डालत हिए। ठीक। अच्छा तभी है 2 किलो चूना। सूखल गोबर और इकर में घन जीवामृत है, इसे हम यहाँ मिला के खेत में छिटबे। ठीक हो दादा। अभी के हम मिला दिलिए, अभी के हम लेके छिटबे। अच्छा दादा। जोताई भी कर दिलिए, चूना भी छीट दिलिए, गोबर भी डाल दिलिए और पटा भी चला दिलिए। अब इकर में 15 से 20 दिन कर बाद में हम इन आलू कर रोपाई करब। अच्छा दादा। अच्छा दादा, चूना और गोबर के डाल के 15 से 20 दिन का ले छोड़ी सला। चूना के हम इन वहे ले डाल के छोड़ दिए ला कि मिट्टी में बढ़िया से मिल जाते और मिट्टी कर जो अम्लीयता है इसके खत्म करके क्षारियता के बढ़ाते। अच्छा ठीक है। ठीक तब 15 दिन बाद मिलब और लाइन कैसे खींचल जाइला और आलू कर कैसे रोपाई करल जाइला से के बताब। ठीक दादा। ठीक है दादा, दुइयो जन आब। ठीक तब जोहार। जोहार। हाँ दीदी, ये तो बीज अब अंकुरित हो गया लो, इके अब हमें रोपे से पहले कैसे बीज अमृत से हम इन बीज उपचार करेला से के बता थे। बता बताओ फिर। अच्छा दादा, ये बीज अमृत का हो बीज अमृत से उकर अंकुरण क्षमता बढ़ावला और मिट्टी में रहे वाला जे बीमारी मर रहला से के दूर करावला और जे फफूंद इकर में फफूंद बीमारी होला फफूंद से होए वाला बीमारी से के ही दूर करावला। दीदी के बीज अमृत से हम इन छिड़क दिए ला और इके चला के इके साइन दिए ला। दीदी के तो हम इन बीज उपचारित कर दिलिए, अभी के सूत्री बोरा में लगा के आधा घंटा तक इके सूखे ला दे भाई। तो इनकर घर का सारा काम खत्म कर लेला। हाँ दादा, घर का सारा काम खत्म करके आवा थी। ठीक तब दर कैसे बनाएला से क्या हम तो इनके बताते। ठीक तब दादा, दर कैसे बनाए बना के बताओ। दीदी दर का ऊंचाई 5 इंच रहता हूँ और चौड़ाई 7 इंच रहता हूँ, लंबाई 5 फीट रहता हूँ। ठीक तब बनाइए ला। हाँ चल। ठीक है, पहले हमें नाइफ ले भाई। ठीक है। ये देखिन दीदी, ये पहले को लाइन खींचे से कर 5 इंच कर गहराई हो और ये हो दीदी 7 इंच चौड़ाई। ठीक है। हाँ दीदी, अब हमें निकल लंबाई नाप भाई 5 फीट ले के इधर।
दे। ये देख दीदी, ये जगह 5 फीट हुआ था। ये देख दीदी, अभी नपाए गए, अभी कर में हमें नापले कर हिसाब से दर खिंचबाई। ठीक हो? दीदी 15 दिन पहले जो हम पूरा में राय की नहीं के से आंख खोलो वैसन देखी आलू कर। अच्छा दादा, डर तो बना ले ली दादा, लेकिन कैसन रोबी से के बता दे। ठीक तब ये देख दीदी, पहले हमें इके नाइप ले भाई, आलू से आलू कर बीच कर दूरी कते होते 6 इंच और इकर में राख ले भाई। ले तोहनो नाफन टेप से आलू कर दूरी कते हो ले सके आर तोहनो राखन। ठीक है दादा। दीदी गोबर खाद है कोई के थोड़ा थोड़ा लगाए दे भाई और खुरपी से गाड़ दे भाई। ठीक हो दादा। दादा आलू तो मड़ा दे, खाद भी डाल दे, लेकिन के रोपी कैसे? दीदी इके हम इन खुरपी से दर कर किनारे ऐसन करके रोपिया ला, ऐसन रोपले समय तो लगे ला, लेकिन सब पौधा बराबर से निकलेला और सबके बराबर नमी मिलेला, पटवन करे पर भी इकर में सब पौधा के बराबर से पानी मिलेला। ठीक है दादा, इतना ही अच्छा जानकारी दे ले, अब हमहू रोबे और अच्छा उपज पाबे। ठीक तब तुह मन के बता ले, तैसने तो इन दोनों जन रोबा और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करवा। ठीक है दादा। ठीक है दादा, इतने अच्छा जानकारी दिले, उकर ले बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जोहार। समझौता ना करने वाले बिंदु, आलू की रोपाई करने के लिए 2.5-2.5 सेंटीमीटर का आलू बीज उपचार किया हुआ होना चाहिए। खेत को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। रोपने के लिए जो दर खींचेंगे उसकी लंबाई 5 फुट, ऊंचाई 5 इंच और चौड़ाई 7 इंच रखेंगे। आलू को दर में 6-6 इंच की दूरी में रखेंगे। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा गोबर खाद डालेंगे और खुरपी से गड्ढा करके रोपेंगे। हमार बट से देखे वाला इनके सबके जोहार। तो ही नखन देखला कि आलू रोपे से पहले का का करे खोवेला और आलू का रोपाई कौन तरीका से करल जाएला। और सच में अगर हम इन विधि से आलू का रोपाई करवे होले तो हम इनके अधिक से अधिक आलू मिलते और जेकर से हम इनके सब्जी भी चल सकेला और बेच के पैसा भी कमा सकेला। लेकिन कब जब हम इन विधि के अपनाबे तब से हम इनके केयर से फायदा होते। सेले तोहिन मन से हम अनुरोध करेला कि ई विधि के जरूर से जरूर अपनावा। इस विधि से आलू की रोपाई करने के फायदे। इस विधि से रोपने से सभी पौधों को बराबर रूप से पोषण मिलता है, जिससे फसल अच्छी होती है और उपज अधिक होती है। अधिक से अधिक फायदा उठावा और हमार बर से सबके जोहार।